तो सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा जीएस क्विज का 49वां क्लास लेके आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो पहले मैं देख लेता हूं कि कुछ बच्चे जुड़े कि नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जा रहा आज भी। अभी इससे पहले दो क्लास हो चुका, कन्हैया सर जीतू सर दोनों ने क्लास दिया लेकिन नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं गया। तो जैसे कुछ बच्चे जुड़ जाते हैं तो मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, फटाफट जुड़ जाइए। चलिए, जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जैसा कि आप कल क्लास नहीं हुआ था तो मुझे उसके लिए सॉरी बोलना पड़ेगा। जाहिर है आपने समझा होगा हमारा प्रॉब्लम। जल्दी फटाफट कुछ भी बच्चे जुड़ जाते हैं तो क्लास स्टार्ट करते हूँ मैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा जो जुड़े हुए हैं चैनल के साथ। जैसे ही कुछ भी जुड़ जाएंगे मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा बताइएगा कुछ आया क्या। मैसेज आया। जैसे कुछ भी जुड़ जाते हैं तो स्टार्ट कर देता हूँ। अभी तक मेरे पास नहीं दिखा रहा है कुछ भी सर। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट कर देता हूँ उसके बाद फिर देखता हूँ कि कुछ भी जुड़ जाते हैं तो फिर मैं नाम ले लूँगा। और जैसा कि मैं बता दूँ पहले कि मैक्सिमम क्वेश्चन मेरा पहले कराया हुआ है तो मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा या ज़्यादा नहीं समझाऊँगा उस पर, ठीक है। तो आज मैं कुछ नाम ज़्यादा लेने वाला हूँ तो बुरा मत मानिएगा अगर टाइम उसमें लग जाए तो। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि क्लास जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूँ। चलिए फिर क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इनमें से कौन सा सबसे मजबूत बल है। ए ग्रेविटेशनल फोर्स, बी एटॉमिक फोर्स, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और डी न्यूक्लियर फोर्स। ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी परमाणु बल, सी विद्युत चुंबकीय बल और डी परमाणु बल। अब दोनों एक ही हो गया, एटॉमिक और न्यूक्लियर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, तो फटाफट आंसर दीजिएगा। और आंसर आना स्टार्ट हो गया है लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ जानबूझ के कि कुछ बच्चे और जुड़ जाएं। और कल के लिए सॉरी बोलूँगा। चलिए, नई क्लास जस्ट स्टार्ट हुआ है अपना। हाय टेक हेल्प महेश वाल्मीकि, हाय मेरे गांव मेरा देश। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा सर। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इनमें से कौन सा सबसे मजबूत बल है। ए ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण, बी एटॉमिक, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और डी न्यूक्लियर। और आने लगा है आंसर, तो जिनका आंसर सही है मैं नाम ले रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा। हाय राहुल, हाय मनीष, हाय अभिषेक। चलिए, हाय वाल्मीकि, प्रभु दत्ता सत्तापति, दीपक योगी, सुरेंद्र कुमार यादव, महेश, वर्षा साव, करण, गौतम घोष, प्रभु दत्ता सत्तापति अगेन, दीपक योगी, कामरू जमान, गौतम घोष, गौरव कुमार। बहुत बढ़िया यार, सक्सेस KI 98। वाह यार, आपने तो हमारा नाम ही लगा दिया करीब करीब। चलिए बहुत बढ़िया। पवन रायचंद, देवाशीष बेताल, घनश्याम बर्फी, वीरेंद्र जल्दी खत्म हो जाएगा अगर रुक पाए तो बढ़िया रहेगा। और परमेश्वर के नाम के साथ इसको एंड करता हूँ मैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे मजबूत बल होता है। तो जिन्होंने ए आंसर दिया उनका आंसर सही है। बापू मालवे बहुत बढ़िया। राजू सर, CET 2019 का लेवल हार्ड होगा क्या। देखिए लेवल हर साल बढ़ता ही है तो आप
कभी भी ये नहीं सोच सकते हैं कि इजी आएगा, तो आपको तैयार भी वैसे ही करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं पर डे कंपटीशन में लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, तो आप एग्जाम लेवल सोचिए, अपने आप बढ़ेगा ही कुछ ना कुछ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच वफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? ए विटामिन ए, बी विटामिन के, सी विटामिन ई और डी विटामिन सी। चलिए फटाफट फटाफट बताइएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। और आंसर आने लगा है सत्तापति, प्रभुदत्ता सत्तापति, एंटरटेनर ड्यूड बन्ने सिंह, अभिषेक, संदीप राज। बहुत बढ़िया यार, गौरव, वर्षा, दीनू, अंकुर बराली, रॉयल अंसारी फैन क्लब, पवन, ममता रानी, दीपमाला। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। पवन रायचंद, अलीना शाह, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। वाल्मीकि कुशवाहा, आपका यहाँ आंसर गलत है, वाल्मीकि। अजय यादव, अंकित, गौरव कुमार, मनीष महेश, टेकल महेश, गौतम घोष, सुरेंद्र यादव। चलिए तो इसको एंड करता हूँ मैं यहीं पे। अजय यादव प्लीज़ आंसर दीजिएगा, अंकित चौधरी। चलिए उदय और समीर के नाम के साथ इसको एंड करता हूँ मैं। विटामिन सी इज़ द करेक्ट आंसर, विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है काफ़ी। तो इसी के साथ इसको एंड करता हूँ मैं। और जिन्होंने डी आंसर दिया है उनका आंसर सही है, जिन्होंने गलत किया था प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। ईशानी वेलकम, और आंसर भी आपका सही है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, डैन इज द यूनिट ऑफ व्हाट, डायने की इकाई क्या है, किसकी इकाई है सॉरी। ए मोमेंटम गति, बी वर्क काम, सी बल फोर्स और डी एनर्जी ऊर्जा। तो फटाफट बताइएगा सर थोड़ा। सर टुडे माय फर्स्ट क्लास, हेमंत झा वेलकम हेमंत। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और आपको बाकी के सारे क्लासेस मिल जाएंगे हमारे लिस्ट में, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और वैसे हमारा क्लास डेली होता है तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। चलिए तो जिन्होंने आंसर सही दिया था बहुत बढ़िया, ममता रानी। अगला आंसर दीजिएगा राजू सरोज, राजू सरोज आपका आंसर सही है, एंटरटेनर ड्यूड। एंटरटेनर ड्यूड आपका नाम बताइएगा प्लीज़, अपना नाम बताइएगा प्लीज़। सर थोड़ा सा चार्जर लाइएगा सर फटाफट। अजय यादव, पवन रायचंद, बहुत बढ़िया, चंद्रकांत साहू, अजय यादव, राजू सरोज, गौरव कुमार, रुपेश कुमार, चंद्रकांत साहू, ईशानी, समीर, संदीप राय, राज, जयशंकर, अंकित चौधरी। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसको एंड करता हूँ मैं। दीपक प्रमोद, दीपक और संदीप के नाम से एंड करता हूँ। लीना बैरवा, व्रानिया देवजी, फोर्स इज द करेक्ट आंसर, बल, जैन बल की इकाई होती है। तो जिन्होंने डी आंसर दिया है उनका आंसर सही है, जिन्होंने गलत किया था उसको ठीक कर लीजिएगा। सर लैपटॉप चार्ज करिए। महेश हाँ चार्ज लगा दिया महेश मैंने। चलिए तो जिन्होंने सी आंसर दिया उनका आंसर सही है, जिन्होंने गलत किया था प्लीज़ आंसर सही कर लीजिएगा। चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच ऑब्जेक्ट इज यूज फॉर डेटिंग आर्कोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स इन फॉसिल्स, बोन्स एंड सेल्स। जीवाश्म, हड्डियों और गोले में पुरातात्विक नमूने डेटिंग के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? ए कार्बन 14, बी यूरेनियम 238, सी बोरेक्स और डी यूरिया। फटाफट बताइएगा। बहुत बढ़िया ममता, आप बहुत अच्छा कर रही हो। और आंसर आने लगा है कंफ्यूज मत होइएगा। रुपेश कुमार, दीपक योगी, सौरभ चौहान, एसजीएस कुमार, प्रशांत कुमार बैरा, दीनू पिंगोरा, सचिन पाल, रॉबिन टेक कुल बॉय, राजू सरोज, जयशंकर, नेहा सुमन, अजय यादव, अंकित रत्नावत, वाल्मीकि कुशवाहा, ईशानी। बहुत अच्छे ईशानी, अब आपका जीएस बहुत अच्छा जा रहा है एज यूजुअल। आपका मैंने एक क्लास देखा था करंट अफेयर्स वाला, आप बहुत अच्छा कर रही हो उसमें भी। गौतम, दीपमाला गुप्ता, अभिषेक विश्वास, प्रियंका सिंह, ममता रानी,
गौरव कुमार, अजय यादव, प्रभु दत्ता, ब्रिलियंट यार, आप बहुत अच्छा जा रहे हो। समीर कुमार, दीपक योगी, चलिए तो इसको एंड करता हूँ मैं यहीं पे। जी आपको जिस वीरेंद्र, आपको हर एग्ज़ाम की, जैसा कि आपने कल न्यूज़ पढ़ा होगा, सर बता रहे थे जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे सारे क्वेश्चंस करीब करीब एक ही आएंगे, तो वो आपको उसको ले नहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, कार्बन 14। तो जिन्होंने ए आंसर दिया है उनका आंसर सही है, जिन्होंने गलत किया था प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल आयरन इज ऑब्टेंड, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लोहा, खनिज से लोहा प्राप्त किया जा सकता है। ए हेमेटाइट, बी मोनाजाइट सैंड, सी लाइमस्टोन और डी रॉक्स, चट्टान। तो फटाफट आंसर दीजिएगा, और इसका भी आंसर आने लगा है और काफी बच्चे सही दे रहे हैं। हाँ, ईशानी फर्स्ट, ईशानी, योगेश जेवके, हाय योगेश, अजय प्लीज आंसर दीजिएगा, रुपेश कुमार, सचिन पाल, आकाश वर्मा, सचिन अगेन, प्रभुदत्ता सत्तापति, ब्रिलियंट यार, मनोहर ऋषि, दीपक प्रताप, प्रशांत कुमार बैरा, दीपक प्रताप अगेन, चंद्रकांत साहू, गौतम घोष, सचिन पाल, देवराज, नेहा सुमन, चंद्रकांत साहू। काफी आंसर सही आ रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। महेश बरवाल शाइनी प्लीज आंसर दीजिएगा, शशिकांत यादव, दीपक प्रताप अगेन, वाल्मीकि कुशवाहा, इंताज अंसारी बहुत बढ़िया। चलिए गौरव और दीनू पिनुगोरा के नाम के साथ इसको एंड करता हूं मैं। रोहल अंसाफ, फैन क्लब जाफर, राजू सरोज, आसन, हेमेटाइट इज द करेक्ट आंसर। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आयरन इज ऑब्टेंड, दैट इज हेमेटाइट। तो जिन्होंने ए आंसर दिया उनका आंसर सही है, जिन्होंने गलत किया था प्लीज चेक कर लीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, और एक बार मैं बोलूंगा, जो जो बच्चे नए चैनल के साथ जुड़े हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन अभी भी नहीं आ रही है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरह दूसरे बच्चे भी आगे बढ़े तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। एजुकेशन ब्रांद्रुत, खिलावले नाम ना ले। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। हमारा आज का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सोप मेक्स द वाटर इजियर टू वॉश क्लोथ्स बिकॉज, साबुन कपड़े धोने के लिए पानी को आसान बनाता है क्योंकि, इसकी सतह तनाव घटता है, डिक्रीजेस इट्स सरफेस टेंशन, बी रिमूव्स हार्डनेस, कठोरता को हटा देता है, सी इसका घनत्व बढ़ाता है, इंक्रीज द डेंसिटी, और डी नन ऑफ द एबव। तो फटाफट बताइएगा इसका भी आंसर, और आगे आंसर बहुत बढ़िया यार। ईशानी, अंकित चौधरी, सचिन पाल, अजय यादव, सचिन पाल अगेन, प्रशांत कुमार बेहरा, चंद्रकांत साहू, रॉयल अंसारी फैन क्लब। आप आगे फाइव से आगे बढ़िए, सिक्स क्वेश्चन पे हम लोग हैं। अजय यादव, मोहम्मद नौशाद, राकेश, इरशाद खान, बहुत बढ़िया इरशाद, नेहा सुमन, डिक्रीजेस सरफेस टेंशन, बहुत बढ़िया नेहा, इंटरटेनर ड्यूड, यू आर टेरिफिक ड्यूड, इंटरटेनर, बहुत बढ़िया। चंद्रकांत साहू, सुदोदन गणवीर, दयानंद कुमार, हर्षाली सोनावने, चलिए बहुत बढ़िया। अनीता के नाम के साथ मैं इसको एंड करता हूँ। ए इज द करेक्ट आंसर। सोप क्या करता है, इट सरफेस, पानी के तनाव को घटा देता है, सतह के घटाव तनाव को कम कर देता है, ठीक है, डिक्रीज द सरफेस टेंशन, जिसके वजह से कपड़े जल्दी साफ होते हैं, बहुत बढ़िया। तो ए इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने ए आंसर दिया उनका आंसर सही है, जिनका गलत है प्लीज टिक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज, न्यूटन्स का गुरुत्वाकर्षण कानून है, ए फॉर एटम्स, परमाणुओं के लिए, बी एप्लीकेबल टू लाइट बॉडीज, प्रकाश निकायों के लिए लागू,
इट्स अ लाइट बॉडी, ये हल्के शरीर, भारी निकायों के लिए फॉर हैवी बॉडीज, और डी यूनिवर्सल। तो फटाफट आंसर दीजिएगा इसका भी, और आंसर आने लगा है बन्ने सिंह, बन्ने सिंह, सचिन पाल, संदीप राज, अनीता अनीता, इरशाद खान, नेहा सुमन, गौतम घोष। बहुत बढ़िया, जयशंकर, अंकित रत्नावत, नवीन कुशवाहा, सुनील शर्मा, इंटरटेनर ड्यूड, बहुत बढ़िया, अनीता, मोहम्मद नौशाद, जयशंकर, रजनी शब्बानी, लालू विक्रम, संदीप राठौड़। चलिए बहुत बढ़िया यार, चंद्रकांत, गौरव कुमार, सचिन, इसके साथ मैं इन करता हूँ इसको भी। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो यार, आज इतने अच्छे आंसर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आंसर सही आ रहे हैं, तो तैयारी आप लोगों की देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। बहुत बढ़िया ईशानी, उदय प्लीज़ आंसर दीजिएगा, नाम मैं दिख जाएगा तो मैं नाम जरूर ले लूँगा। चलिए राम शर्मा, डी इज द करेक्ट आंसर, यूनिवर्सल, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण यूनिवर्सल पे डिपेंडेंट करता है पूरा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारा आज का आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया संक्रमण से कौन सी बीमारी होती है, इनमें से ए कैंसर, बी रेबीज, सी मलेरिया, और डी टेटनेस, धनुष्तम। जी गौतम नहीं जा रहा है नोटिफिकेशन, आज शाम से ही क्लास हो रहा है, नोटिफिकेशन किसी का भी नहीं जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तो आज क्लास अपने टाइम पे स्टार्ट किया, तो आशा करता हूँ कि सही सभी आ जाएंगे। चलिए रिया ब्रफ्सा वाजपेयी, बहुत बढ़िया, वेलकम ब्रफ्सा, मैं आपको वेट कर रहा था, खोज रहा था आपका आंसर अभी तक क्यों नहीं आया। चलिए आठवें का आंसर दीजिएगा, वाल्मीकि कुशवाहा, सुप्रियो दत्ता, बहुत बढ़िया, ईशानी, राम शर्मा, अजय यादव, राजीव दास, दीपक, गौतम घोष, गौरव कुमार, कामरू जमान, अंकित, अंकित आपका आंसर गलत है यहाँ पे, कामरू जमान आपका भी गलत है, फ्लो मैं बोल देता हूँ कभी कभी, राजीव दास, चंद्रकांत साहू, सुप्रियो दत्ता, चंद्रकांत साहू आपका आंसर गलत है, प्रियंका, प्रिया रंजन, प्लीज आंसर दीजिएगा प्रिया रंजन, गुड इवनिंग रीना। चलिए अनिता अनिता, इंताज अंसारी, सचिन पाल, वेलकम रिया, क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी के प्लेलिस्ट से आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रियंका सिंह अगेन, बहुत बढ़िया प्रियंका, चलिए इसको एंड करता हूँ मैं यहाँ पे, गौरव कुमार के नाम के साथ। सर वॉइस नहीं आ रही है, रीना प्लीज़ चैनल थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिएगा पेज को, सही आ जाएगा। टेटनेस बैक्टीरिया के संक्रमण से होती है, इनमें से दिए गए ऑप्शनों में से, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, तो जिन्होंने डी आंसर दिया है उनका आंसर सही है, जिन्होंने गलत किया था प्लीज़ सही कर लीजिएगा आंसर। जी सचिन आपका आंसर सही था, गुड्डू बहुत बढ़िया, नहीं राजू कल किसी कारणवश नहीं आया था इसीलिए। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज का नौवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू, ये तो बताना ही पड़ेगा बच्चों को, पता मतलब ऑलरेडी बताया हो चुका हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन मूल्य है, हाईएस्ट ईंधन मूल्य है, मतलब यहाँ ज़्यादातर होना चाहिए था, ए हाइड्रोजन, बी पेट्रोल, और सी प्राकृतिक गैस, और डी चारकोल लकड़ी का कोयला। बहुत बढ़िया नवीन, मैं नहीं देख पाया था सॉरी उसके लिए। चलिए इसका आंसर दीजिएगा प्लीज, और आंसर आने लगा है पवन कुमार, यहां आप कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, नहीं योगेश कल नहीं हुआ था, बहुत बढ़िया रिया, सचिन पाल, सचिन पाल, सचिन पाल, वाह, पीयूष गुप्ता, अक्षय लाल, गौतम घोष, पीयूष गुप्ता अगेन, अमित कुमार, मोहम्मद हसन, प्रजादे, करण सिंह, अभिषेक विश्वास, कोई बात नहीं प्रिय रंजन अभी सियोर हो जाएगा, कपाड़िया करण, ममता रानी बहुत अच्छे, सुभाष झा, रॉबिन टेकुल बॉय, धीरज कुमार, अंकित चौधरी, गौरव कुमार,
चलिए अब तक आपको पता चल गया होगा। राजकुमार प्लीज आंसर दीजिएगा। नेहा सुमन बहुत बढ़िया। चलिए तो इसको मैं इन करता हूं। तो जिन्होंने ए आंसर दिया है बबीता दास, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन इज हैज द हाइएस्ट फ्यूल वैल्यू। हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा फ्यूल वैल्यू ईंधन मूल्य होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, दसवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। और मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, जो जो बच्चे चैनल के साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अमन रजक, सर मेरा आंसर नहीं दिखता क्या आपको? नहीं दिखा तभी आपका नाम नहीं ले पाया मैं। रंजना डोंगरे, सर नोटिफिकेशन नहीं आया। जी हाँ नहीं आया रंजना। चलिए सर आपकी क्लास कल नहीं लगी थी? नहीं रवि नहीं लगी थी, बहुत बढ़िया। शुभम, गौरव कुमार, चलिए मैं नाम ले रहा हूँ यार लगातार। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। एंटीबॉडीज क्यूर डिजीज बाय। एंटीबॉडी बीमारी का इलाज होता है रिमूव पेन, दर्द दूर करना। बी कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, प्रतिस्पर्धी निषेध। सी ट्यूनिंग द पैथोगन आउट ऑफ बॉडी, शरीर से रोगजनक ट्यूनिंग निकालने के लिए। और डी नन ऑफ द एबव। तो फटाफट इसका भी दीजिएगा आंसर। एंटीबॉडीज क्योर डिजीज बाय, दर्द दूर करना, प्रतिस्पर्धी निषेध, शरीर से रोगजनक ट्यूनिंग और डी, इनमें से कोई नहीं। और आंसर भी आने लगा है, तो मैं जिसका आंसर सही है उसी का नाम लूंगा। आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसी का नाम लूंगा। पीयूष गुप्ता, पीयूष गुप्ता, सुभाष झा, बहुत बढ़िया यार। अजय श्रीवास, अजय श्रीवास, ईशानी दिस टाइम रॉन्ग। प्रशांत कुमार बैरा, अर्जुन धाकर, कोई बात नहीं संदीप अभी पता चल जाएगा आपको। दिनेश कुमार गुर्जर, दिनेश कुमार गुर्जर, ट्विंकल गुप्ता, यशपाल तोमर, रुपेश कुमार, अजय कुमार। चलिए इसमें काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया तो मैं इसको इन कर देता हूं यहीं पे। दिनेश कुमार गुर्जर के नाम के साथ अजय कुमार, रवि, बहुत बढ़िया। चलिए इट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटेशन। एंटीबॉडीज क्योर डिजीज बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, प्रतिस्पर्धी निषेध के द्वारा एंटीबॉडी बीमारी का इलाज किया जाता है। इट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो बहुत बढ़िया। तो जिन्होंने बी आंसर दिया उनका आंसर सही है, जिन्होंने गलत किया था प्लीज चेक कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू। लहसुन का चरित्र क्रम इस कारण से होता है। ए एसिटिक एसिड, बी अ सल्फर कंपाउंड, सी अ फ्लोरिन कंपाउंड और डी क्लोरो कंपाउंड। सिरिका अम्ल, सल्फर कंपाउंड मतलब सल्फर यौगिक, फ्लोरोइन यौगिक और क्लोरो कंपाउंड यौगिक। तो फटाफट इसका भी आंसर दीजिएगा। और इसका आंसर काफ़ी हद तक सही आना चाहिए मुझे पता है, और आंसर आने भी लगा। सर आपने मेरा नाम नहीं लिया, अंकित खंडेलवाल, मैं नहीं देख पाया था अंकित आपका नाम इसीलिए। चलिए पवन कुमार, पवन कुमार, अर्जुन ढाकर, अभिषेक विश्वास, सचिन पाल, ट्विंकल गुप्ता, सचिन पाल अगैन, प्रशांत, राकेश कुमार, योगेश जेवके, पूर्वा कश्यप, महंत घोष, प्रफुल्ल कांत यादव, रवि ददोरिया, करण सिंह, आदेश कुमार, मोहम्मद नौशाद, बहुत बढ़िया मोहम्मद नौशाद, कपाडिया करण, रजनी शब्बानी, इरशाद खान, योगेश, बहुत बढ़िया यार। चलिए इसका आंसर काफ़ी सही आया, बहुत बढ़िया। प्रदीप यादव, कमल चौबे, आप सभी ने आंसर सही दिया। उमा भट्टाचार्य, चलिए इसी के साथ इसको इन करता हूँ मैं। लास्ट नाम मैं ले रहा हूँ ऑल इन वन का, तो बी सल्फर कंपाउंड। लहसुन का जो चरित्र क्रम होता है वो सल्फर यौगिक की तरह होता है। चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमोसफेयर इज मेजर्ड बाय। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापा जाता है। ए हाइग्रोमीटर,
बी फेदोमीटर, सी बैरोमीटर और डी स्पेक्ट्रोग्राफ। तो फटाफट इसका भी आंसर दीजिएगा। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? मैंने जानबूझकर इसके जो ऑप्शंस है उसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया पूरी तरह से। चलिए बहुत बढ़िया यार, बने सिंह, ललित सिंह, संजय कुमार, मंतोष प्रसाद, ईशानी, बहुत अच्छे, उत्तम सिंह, नेहा सुमन, हाइग्रोमीटर, वाह, हितेश, मीना, रजनी, शब्बानी, यहाँ योगेश। मैं बोलना चाहूँगा, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको कॉन्फिडेंट ना हो तो 100% ना लिखा करिए। फैथोमीटर पानी की गहराई मापने के लिए यूज किया जाता है। ये मैं अभी तक करीब करीब 4 बार क्लास करा चुका हूँ फैथोमीटर के ऊपर, तो प्लीज़ गलत ना करें। पिंटू कुमार, हर्षित सिंह सोलंकी, रोहिणीकांत, देवराज, बबीता दास, बहुत बढ़िया। चलिए उमा भट्टाचार्य, महजबीन खान, जगदीश, अब इसको इन करता हूँ मैं सचिन पाल के नाम के साथ। बहुत अच्छे सचिन, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके काफ़ी आंसर सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हमारा, तो जिन्होंने ए आंसर दिया उनका आंसर सही है, जिन्होंने गलत किया था प्लीज़ सही कर लीजिएगा। रुपेश कुमार बहुत बढ़िया, जूली कुमारी आपका भी आंसर सही था, ट्विंकल गुप्ता बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, प्रताप राज, चलिए राजेश तिवारी, प्लीज़ सर मैं हमेशा नाम नहीं ले सकता, क्वेश्चन के साथ मेरा आंसर अगर मैं देख लूँगा। जी हाँ ईशानी सही कहा आपने। चलिए 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक रिवॉल्विंग राउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स आर नोन एज। बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच सूरज के चारों ओर घूमने वाली चट्टान के छोटे टुकड़े के समूह को इनमें से क्या किस नाम से जाना जाता है? ए एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह, बी कॉमेट्स, धूमकेतु, सी मीटियोर्स, उल्का और डी स्टार सितारे। और काफ़ी आंसर सही आने लगा है, मैं नहीं देख पाया, अगर छूट गया था तो सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। ऑलवेज वन सचिन पाल, सरोज कुमार, कालीचरण कौशल जी, हो सकता सही हो, मैं नहीं देख पाया, सॉरी उसके लिए। राज आशीष श्रीवास्तवा, चंद्रकांत साहू, रजनी शब्बानी, बहुत बढ़िया, रीमा मंडल, पिंटू कुमार, सॉरी ईशानी। चलिए बहुत बढ़िया सर, थोड़ा सा पास करेगा सर। रजनी तिवारी, प्रभुदत्ता सत्तापति, आप बहुत अच्छा कर रहे हो यार, बहुत अच्छा, मतलब आउट ऑफ 13 मुझे लगता है आपने 10 का आंसर सही दिया होगा। गौरव, हर्षाली सोनामने, बहुत अच्छे हर्षाली, पुनीत, रजनी सब्बानी, बहुत अच्छे रजनी, आपका भी आंसर काफ़ी बहुत सही आ रहा है। SGS कुमार, रीमा मंडल, चलिए पूर्वा, तो जिन्होंने यहाँ पर ए एस्ट्रॉइड आंसर दिया है उनका आंसर सही है, तो मैं इसको एंड करता हूँ। नेहा परवीन बहुत बढ़िया, अनीता के नाम के साथ इसको एंड करता हूँ मैं, तो जिन्होंने एस्ट्रॉइड दिया है उनका आंसर सही है। सॉरी थोड़ा गला सूख गया, मैं एक सेकंड लेता हूँ पानी पीने के लिए, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा। गला ड्राई हो गया, सॉरी उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा टाइम ले लिया आपका। भूपेंद्र कुमार बहुत बढ़िया, इरशाद मैं नहीं देख पाया, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा, और मैं देखता हूँ यार, मतलब आप ये मत सोचिएगा कि मुझे ध्यान नहीं है किसी का नाम, जिनका आंसर मैं देखता हूँ ज़्यादा सही उनको मैं एक ना एक बार जरूर बोलूँगा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। वर्षा शाह, और आज भी कुछ नहीं, गला ड्राई हो गया था। चलिए प्रियंक रंजन नायक, इसको एंड करता हूँ मैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। हमारा आज का 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र कहा जाता है।
ए एल्टीमीटर, जैसा कि आप देख रहे हैं ऑलरेडी हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है कि आपको आंसर पहले ही पता चल जाएगा। एल्टीमीटर, सोनोमीटर, सोनोमीटर, ऑडियोमीटर और एनियोमीटर। मैंने इसको जानबूझ के इस बार नहीं किया, नेक्स्ट टाइम में लेकिन मैं सारा ये इंग्लिश कर दूंगा। इसको ऊंचाई मापक, बहरे मनुष्य की श्रवण शक्ति मापने का यंत्र, श्रवण शक्ति मापी ऑडियोमीटर और एनियोमीटर पवन मापी। तो इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं काफ़ी बच्चे, ध्यान दीजिएगा। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग द साउंड लिखा हुआ है यहाँ पे, मेजरिंग द साउंड, मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र कहा जाता है क्या? तो काफी बच्चे यहाँ पे गलत दे रहे हैं आंसर, तो जिसका आंसर सही होगा मैं उसी का नाम ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा मैं उसी का नाम लूंगा। इरशाद खान, जैसा कि मैं बोल रहा था, इरशाद खान बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। और अगर आपका 13वां सही था तो ये आपका 14वां भी सही है, और आप बहुत अच्छा कर रहे हो यार। प्रशांत कुमार बैरा, राजीव दास, बहुत बढ़िया यार। चलिए तेजस, संदीप गौड़, मुकेश गुप्ता। तो इसका आंसर काफ़ी बच्चों ने गलत दिया, उत्तम सिंह के साथ इसको मैं एंड करता हूँ। सोनोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए इंटेंसिटी ए यूज होता है सोनोमीटर बहरे मनुष्यों के लिए, इसलिए यहाँ बहरे मनुष्य लिखा हुआ था। तो इस श्रवण शक्ति को मापने का यंत्र ए वाला सही होगा। ऑडियोमीटर नहीं होगा, ऑडियोमीटर जो म्यूजिक बजते हैं यू ऑडियो उनके लिए है। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए उसको लिए लेकर। आशीष दर, दवाई कराओ, दवा की जरूरत नहीं है, ड्राई हो जाता है ज़्यादा देर तक बोलने से, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, सही है मेरा, बहुत बढ़िया भूपेंद्रा। तो जिन्होंने बी दिया, प्रभुदत्त सत्यपति, बहुत अच्छे। मनीष गुर्जर उनका सही है, बहुत अच्छे महेश। चलिए इसको इन करता हूँ मैं, व्रवशा, व्रवशा वाजपेयी, बहुत अच्छे यार। चलिए अंकित खंडेलवाल के साथ इसको एंड करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। और इससे पहले मैं बोलूँगा, जो जो बच्चे नए चैनल के साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, और हो सके तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन बच्चों तक पहुँच पाए जिनके पास कोचिंग ट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज नो सैटेलाइट। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन से ग्रह का उपयोग नहीं है, उपग्रह नहीं है, कौन से ग्रह का उपग्रह नहीं है? ए प्लूटो, यम, बी वरुण, नेपच्यून, सी मरकरी, बुध और डी मंगल, मार्स। और आंसर भी आने लगा है और काफी आंसर सही आएगा मुझे लगता है इसका भी। और आंसर आ रहा है पीयूष गुप्ता, बन्ने सिंह, रीमा मंडल, पीयूष गुप्ता अगेन, सचिन पाल, ईशानी ईशानी, मुकेश कुमार, मुकेश गुप्ता, पीयूष गुप्ता, गौतम सिंह, ललित सिंह, केदार राजपूत, सचिन पाल, पीयूष गुप्ता, रीमा मंडल, मोहम्मद नौशाद, मंजीत कुमार, रक्षा जंगीत, सचिन पाल, इंद्रजीत कुमार, यशपाल तोमर, सौरभ पांडे, पीयूष गुप्ता, बहुत बढ़िया यार, हितेश मीना, राजीव दास, जुली कुमारी, रवि रंजन कुमार, नेहा परवीन, देव शायने, कमल चौबे, नेहा सुमन। चलिए इसको मैं एंड करता हूँ यहीं पे, काफ़ी आंसर सही आ रहा, बहुत बच्चे सही आंसर दे रहे हैं इसका। प्रिया रंजन नायक, बहुत अच्छे। नेहा परवीन आपका भी बहुत अच्छा जा रहा है क्लास, मैं देख रहा हूँ काफ़ी बहुत अच्छा जा रहा है आपका क्लास। शशांक का भी नाम लो सर, बहुत अच्छे शशांक। चलिए तो इसको मैं एंड करता हूँ, सी इज द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने सर भूपेंद्र कुमार, सर मज़ा आ गया, थैंक यू भूपेंद्रा। चलिए ज्योति मौर्य के नाम के साथ इसको मैं एंड करता हूँ। तो सी इज द करेक्ट आंसर, मरकरी के पास अपना सैटेलाइट नहीं है, ओनली मरकरी हैज नो सैटेलाइट। तो जिन्होंने सी आंसर दिया है उनका आंसर सही है, जिन्होंने गलत किया था प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। तो कल फिर मिलते हैं
सेम टाइम 10:30 पे, और अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आया तो प्लीज़ आ जाइएगा। तो इसी के साथ मैं आज को एंड करता हूँ, कल तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।